छोटी सादड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में जान से मारने की धमकी देकर खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित किसान ने पुलिस थाने में नामजद आरोपियों सहित उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी डूंगर सिंह चुंडावत ने बताया कि छोटी सादड़ी निवासी बाबूलाल पुत्र हीरालाल पाटीदार ने शुक्रवार को थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि रात 10 बजे वह और उसका भाई नीमच गए हुए थे। घर पर महिलाएं थीं, उसके पास फोन आया कि राम निवास पुत्र राधेश्याम पाटीदार निवासी छोटी सादड़ी व इनके 5-7 व्यक्ति और थे, अपराध करने की नियत से उसके घर में घुस आए। बदमाशों ने आते ही महिलाओं को गालियां देना शुरू कर दी और धमकी देकर कहा कि बाबूलाल कहाँ है, आज उसको जान से मार डालेंगे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नीमच से आए, यहाँ लेडीजों ने, हमारी पत्नियों ने, औरतों ने बताया 5-7 व्यक्ति आए थे, यहाँ धमाल किए हमारे घर पे और हमारा अफीम के पट्टे हाँक देंगे। फिर 10 बजे करीब वहाँ हम सूचना मिली कि जब हम कुएं पे गए 11 बजे तो उन्होंने अफीम के पट्टे हाँक दिए। राम निवास था उसमें 7 मेन आदमी और राम निवास पाटीदार ने ये अफीम के पट्टे 5 लाइसेंस हाँक दिए, 2 और 8.5 हाँक दिए। श्रीमान हीरालाल जी के खेत में मैंने अफीम का लाइसेंस बोया तो करीब वो 3 लाइसेंस तो इनके खुद के थे और 2 हमारे, एक तो हमारे दामाद का ललिता शंकर राम गोपाल और सुरेश चंद रामरतन गुजराती निवासी छोटी साड़ी। रात को बाबूलाल जी के खेत में घर आकर के ना वो लोग धमकी दे गए कि अगर हम समझौता किया तो ठीक है, हम आपकी अफीम को हाँक देंगे और नहीं तो जान से मार देंगे। नाम जब रिपोर्ट कराने के बावजूद भी रात को अभी तक कोई अभी कार्रवाई नहीं होना एक संशय का विषय बन रहा है और हमारे को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हमारे परिवार वाले या किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और अफीम हाँकने वाले की होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए छोटी सादड़ी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।